हेलो स्टूडेंट्स दिस इज योर इंग्लिश टीचर सुनील शर्मा नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पॉइम द गार्डन स्नेक सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक तो इसमें पूछा गया है कि तो हमको लाइन पिक करनी है क्या जहाँ से पता चले कि चाइल्ड अफ्रेड करता है स्नेक से सांप से डरता है वो तो आंसर में यहाँ देखिए आई सॉ ए स्नेक एंड रैन अवे तो जो लाइन से पॉइम की एक लाइन है जिसमें वो बोलता है आई सॉ ए स्नैक एंड रैन अवे ये मैंने एक स्नैक देखा और मैं भाग गया तो यहाँ से पता चलता है ही वॉज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स राइट सेकेंड बी क्वेश्चन विच लाइन शोज अ कम्प्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टूवर्ड स्नैक्स रीड इट अलाउड तो पॉइम के अंदर कौन सी लाइन है जो चाइल्ड का एटीट्यूड स्नैक के बारे में कम्प्लीट चेंज दिखाती है कि पहले क्या था और अब क्या है तो वो लाइन क्या है I will stand aside and watch him pass. तो वो कहता है कि मैं अब साइड में खड़ा हो जाऊंगा और उसको क्रॉस करते सांप को क्रॉस करते हुए देखूंगा। थर्ड बट मदर सेज दैट काइंड इज़ गुड मदर कहती है भी ये काइंड तो अच्छी होती है भी सांप की मतलब दैट इज नॉट डेंजरस वट इज़ मदर रेफरिंग टू मदर क्या कह रही है तो द मदर इज़ रेफरिंग टू द गार्डन स्नेक तो जो मदर है वो गार्डन स्नेक को रेफर कर रही है बी दीज गार्डन स्नेक्स आर नॉट डेंजरस राइट क्वेश्चन टू फाइंड द वर्ड फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट्स इन द ग्रास अब जो स्नेक की मूवमेंट है ग्रास के अंदर उसके लिए क्या वर्ड लिया गया में वीगल तो आंसर क्या है हमारा वीगल राइट right? ये जो वर्ड है वीगल क्वेश्चन थ्री देयर आर फोर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पॉइम से अलाउड अब फोर वर्ड्स हैं जो राइमिंग करते हैं आपस में तो कौन कौन से हैं वो गुड फूड पास ग्रास अवे से मिस्टेक स्नेक तो ये फोर वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं गुड फूड पास ग्रास अवे से मिस्टेक स्नैक राइट क्वेश्चन नंबर फोर अ स्नक हैज़ नो लेग्स और फीट क्वेश्चन फोर में पूछा गया एक सांप के ना तो लेग्स होते पैर होते ना ही फी, फीट वगैरह होते उसके बट इट मूव्स वेरी फास्ट फिर भी बहुत तेज भागता है कैन यू गैस हाउ तो आप गैस कर सकते हैं अभी कैसे सोल्यूशन है आंसर है इसका अ स्नैक हैज़ नो लेग्स और फीट स्नैक के लेग्स या फीट नहीं होते इट वी गर्ल्स ऑन द सरफेस ये क्या है धरती पे क्या करता है ये वीगल करता हुआ है यानी रेंगता हुआ वहां से भागता है कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज फॉर ए कोबरा लॉन्ग शार्प टीथ तो क्या इसमें पूछा गया पोइम के अंदर एक कोबरा के टीथ के लिए एक वर्ड यूज हुआ था वो क्या था तो अ कोबरा लॉन्ग टीथ आर कॉल्ड फैक्स जो कोबराज के लंबे दांत होते हैं उनको क्या बोला जाता है फैंक्स राइट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाई डिड द नरेटर रन अवे सींग दार्डन स्नक अब नरेटर है जो नरेटर कौन है जो हमको जिसने पॉइंट जो हमको सुना आ रहा है ठीक है तो द नरेटर थाट द स्नैक टू बी डेंजरस एंड आउट ऑफ फियर रैन अवे तो नरेटर सोचता है भी ये जो स्नैक है बड़ा ही डेंजरस होता है और आउट ऑफ फियर डर के कारण यानी रैन अवे वहाँ से भाग जाता है वाइड द गार्डन स्नैक सॉरी वट डज अ गार्डन स्नैक ईट गार्डन स्नैक क्या खाता है तो पूछा गया गार्डन स्नैक क्या खाता है तो अ गार्डन स्नैक सर्वाइव्स ऑन इंसेक्ट्स जो गार्डन स्नैक होता है वो इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े खाता है सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ द पॉइंट होप यू अंडरस्टैंड गाइज ओके सी यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय